नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद जोधी फ्रेंड्स, और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो है बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, एक तो इसके बारे में बात होगी, ठीक है। इनको बायो ज्योग्राफिकल जोन्स भी बोलते हैं। दूसरी हम बात करेंगे बायोटिक प्रोविंसेस के बारे में, बायोटिक प्रोविंसेस के बारे में, जिनको आप बायो ज्योग्राफिकल प्रोविंसेस भी बोलते हैं। पहले ये 25 थी, अब ये कुछ बढ़ गई हैं कुछ अपडेट के बाद। तो इन दो चीज़ों को इस वीडियो में देखूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो में ही जितने भी बायो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, जो कि 10 हैं इंडिया में, वो नजर आ रहे हैं। ये फिगर थोड़ा सा खराब है। पहले नंबर पे ट्रांस हिमालय नजर आ रहा है 5.6%, ये आपको 1 से नजर आ रहा है। फिर आपको दूसरे नंबर पे हिमालय नजर आ रहा है 6.4%, 2। तीसरे नंबर पे डेजर्ट 6.4%, 3। देखिए, जो हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर से, ठीक है। तो उसको इन 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये 5.6, 6.4, 6.4 ये डिनोट कर रहा है कि इनका परसेंटेज कितना है। फिर जो सेमी एरिड इलाका है वो है 16.6%। अब ये सेमी एरिड इलाका यहाँ पे 4 इससे डिनोट कर रखा है, पर ये नहीं है सेमी एरिड, एक्चुअली में ये है। देखिए यहाँ पे सेमी एरिड के आगे वाइट वाइट रंग का वो है, तो बेसिकली दिस इज सेमी एरिड, ये 4 है। और वेस्टर्न घाट्स 5 है, तो ये 5 है। तो वेस्टर्न घाट्स 4.4% और सेमी एरिड 16.6%। डेक्कन पेनिनसुला 42%, ये छठे नंबर पे। पूरा डेक्कन पेनिनसुला है, सबसे बड़ा हिस्सा हमारे इंडियन लैंडमार्क का यही है। गैंगटिक प्लेन 10.8%, यहाँ देखिए ये यूपी बिहार पूरे में फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल तक। फिर कोस्ट 2.5% है, ये पूरा कोस्टल एरिया जो जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट 5.2% है और आइलैंड 0.3%, जिसमें मेन है लक्षद्वीप और इस तरफ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये पूरा का पूरा आपका डिस्टिंक्शन है फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालयन रीजन की, जो यहाँ 1 से डिनोट हो रहा है। तो ट्रांस हिमालयन रीजन में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं। एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है फ्रेंड्स, ये हाई स्नो कैप पीक्स हैं यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त माउंटेन रेंजेस बनती हैं, जो एल्टीट्यूड्स हैं वो 2,500 मीटर से 4,500 मीटर तक जाते हैं, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी जाते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है फ्रेंड्स आपका हिमालयन जोन, जो कि ये नजर आ रहा है आपको। इसमें 6.4% ऑफ द एरिया है, एरिया तो मैं खैर आपको बता चुका हूँ। हिमालयन जोन बहुत रिच है हैबिटाट्स और स्पेशीज के मामले में। एल्पाइन और सब एल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे, ग्रासी मीडोज मिलते हैं, बहुत सारे डेसीडुअस फॉरेस्ट भी मिलते हैं। कुछ और स्पेशीज मिलती हैं, इंडेंजर्ड स्पेशीज, जैसे कि भराल मिलता है, आइबेक्स मिलता है, मरखोर मिलता है, हिमालयन ताहर मिलता है, टाकिन मिलता है, ये सब तो हम नहीं याद कर सकते फ्रेंड्स। हांगुल भी है, मस्क डियर भी है, याद हो जाए, वेलनगुड नहीं याद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम बात करेंगे सेमी एरिड एरियाज की। सेमी एरिड एरिया मैंने यहाँ पे आपको बताया फ्रेंड्स 4 नंबर पे, देखिए ये रहा सेमी एरिड एरिया, ये आपका सेमी एरिड एरिया है। इसकी बात करें तो ये डेजर्ट के पास है, और कह सकते हैं एक तरीके के ट्रांजिशन है डेजर्ट और वेस्टर्न घाट्स के डेंसर फॉरेस्ट के बीच में। तो देखिए डेजर्ट यहाँ नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पे इसके डेंसर फॉरेस्ट शुरू हो रहा है, तो बीच में ये आपका सेमी एरिड का इलाका पड़ता है। यहाँ पे थॉर्नी स्क्रब्स, ग्रासेस, बैम्बूज, ये सब मिलते हैं। फ्यू स्पेशीज ऑफ जेरोफाइटिक हर्ब्स, जेरोफाइटिक मतलब कि जो आपका पानी के बिना एक लंबे समय के लिए रह सके या पानी को गर्मी में स्टोर कर सके। एफएमएरल हर्ब्स, यानी कि जो बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे जो स्पेशीज मिलती है उसमें बर्ड्स, जैकार्स, लियोपर्ड्स, ईगल्स, स्नेक्स, फॉक्स, बफेलोस, ये सब पाए जाते हैं आपको। ये बेसिकली जो सेमी एरिड इलाका है ना फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे हद तक राजस्थान, गुजरात आता है। ये वो इलाका है जहाँ पे मानसून पहुंच नहीं पाता, खासकर साउथ ईस्ट मानसून पहुंच नहीं पाता। तो चूंकि यहाँ पे साउथ ईस्ट मानसून पहुंच नहीं पाता, आपको पता है साउथ ईस्ट मानसून कुछ इस तरीके से हिट कर सकता है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। एक मानसून की इस तरफ से आएगी रेंज और एक इस तरफ से आएगी, लेकिन ये दोनों ना इस इलाके में ज्यादा बारिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पानी पहुंचता नहीं है। तो साउथ वेस्ट मानसून से भी यहाँ पे ज्यादा पानी नहीं आया, और साउथ वेस्ट मानसून ही डोमिनेंट मानसून है जिसकी वजह से बारिश होती है इंडिया में, तो इसलिए ये सेमी एरिड हो जाता है। फिर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। वेस्टर्न घाट्स वेस्ट कोस्ट पे है पेनिनसुलर इंडिया के, वन ऑफ द यूनिक बायोलॉजिकल रीजन है वर्ल्ड का। ये एक्सटेंड करता है साउदर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला, जो हमारा साउदर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला वो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और ये कहां तक जाता है ताप्ती रिवर के माउथ तक, जो कि 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। लगभग 1600 किलोमीटर ये एक्सटेंड करता है, ये देखिए यहां से लेके इस जगह से लेके यहां तक जा रहा है ये,
ये लगभग 1600 किलोमीटर है 8 डिग्री नॉर्थ से ऊपर, 8 डिग्री नॉर्थ से 21 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। और ये बेसिकली यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस मिलती हैं वो 900 मीटर से 1500 मीटर तक की ऊंचाई पे होती हैं, मानसून विंड्स को इंटरसेप्ट करती है और ये बहुत ज्यादा हैवी आप कह सकते हैं कि रेनफॉल जोन है, जबरदस्त रेनफॉल होती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और फ्रेंड्स, जो माउंटेन रेंजेस है ना ये वाली, इसका जो ये वाली साइड है इस तरफ पे रेनफॉल ज्यादा है, इस तरफ पे रेनफॉल ज्यादा क्यों है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स है वहां हिट कर रही है, लेकिन एक रेन शेडो रीजन बनता है इस साइड पे जहां पे ये रेन बियरिंग विंड्स नहीं पहुंचती, तो यहाँ पे रेन शेडो रीजन बनता है, इसलिए यहाँ ज्यादा पानी नहीं बरसता है, बट इसके वेस्ट साइड पे बहुत पानी बरसता है, ईस्ट साइड पे माउंटेन रेंजेस के इन वेस्टर्न घाट्स पे पानी ज्यादा नहीं बरसता है। यहाँ पे जो स्पेशीज हैं जो बहुत ज्यादा एंडेमिक है वो है नीलगिरी लंगूर, लॉयन टेल्ड मकाऊ, ग्रिजल जाइंट स्क्वेरल, मालाबार सिविट, नीलगिरी ताहर, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशीज है जो यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट रीजन की बात करते हैं, जो 3 नंबर पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट रीजन। इसमें आपका राजस्थान का इलाका, कच्छ का इलाका, कुछ पार्ट्स गुजरात के भी मिलते हैं। बहुत ही हॉट और ड्राई समर होती है, रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से कम होती है और सर्दी के समय पे यहाँ बहुत कोल्ड पड़ता है, क्योंकि सैंड है ही ऐसी चीज की गर्मी के समय पे बहुत गर्म हो जाएगी, ठंडी के समय पे बहुत ठंडी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेशीज पाई जाती हैं वो इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक इंडेंजर्ड बर्ड है वो यहाँ पाई जाती है, बाबुल, किलकर और वाइल्ड पाम भी यहाँ पे ग्रो करते हैं। फिर हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। भाई डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये जो 6 नंबर का आपको दिख रहा है पूरा रीजन, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। आप यहाँ पे देख लीजिए 42% इलाका इंडिया का डेक्कन रीजन कवर करता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का सेमी एरिड रीजन है, कुछ जगहों पे पानी बरसता है, कुछ जगहों पे पानी नहीं बरसता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो सतपुरा रेंज के साउथ में जो इलाका आता है वो बेसिकली आपका डेक्कन प्लेट्यू बनता है। इस प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट रेंज है अनाईमुड़ी, ठीक है। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है एक तरफ से वेस्टर्न साइड पे वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, ईस्टर्न साइड पे ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, और ये जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से ना ये दोनों एक दूसरे के साथ नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं, समवेयर अराउंड हेयर कुछ इस जगह पे, ठीक है। ये नीलगिरी हिल्स पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पे भी देखिए, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, सॉरी ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये आपके ईस्टर्न घाट्स और ये बीच का पूरा इलाका आपका डेक्कन प्लेट्यू। आगे बढ़ते हैं, गैंगेटिक प्लेन के बारे में बात करेंगे। गैंगेटिक प्लेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैंगेटिक प्लेन में एल्यूवियल सॉयल बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें गैंगेटिक प्लेन की, तो ये जो 7 नंबर का इलाका था ये वाला, ये आपका गैंगेटिक प्लेन का इलाका है, ठीक है। यहाँ पे आपको गैंगेटिक प्लेन्स मिलेंगे, एग्रीकल्चरल रिच रीजन है ये, इसको ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसका एरिया है 72.4 मिलियन हेक्टेयर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके बनता है ये हिस्सा। यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जो ट्रीज मिलते हैं वो टीक, साल, शीशम, महुआ और खैर के मिलते हैं। ये तो खैर मैंने बहुत ही बेसिक बता दिया फ्रेंड्स, गैंगेटिक प्लेन्स ये अलग अलग जो बायो जियोग्राफिकल जोन मिल रहे हैं ना, इसमें अलग अलग एक एक घंटा लगेगा आपको इनको पूरा डिटेल में समझाने में। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका ये एक तरीके का, देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिगर में तो आप देख ही चुके हैं, ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर आप बात करो फ्रेंड्स, तो एक तरीके का ट्रांजिशन जोन है इंडियन इंडो मलियन इंडो चाइनीज बायोजियोग्राफिकल रीजन के बीच में। फ्लोरा यहाँ का बहुत रिच है, बहुत सारी स्पेशीज मिलती हैं, ऑर्किड्स, बॉम्बूज, फर्न्स और अदर प्लांट्स जैसे। फिर आइलैंड्स की बात कर लें फ्रेंड्स, तो आइलैंड दो है मेन, लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड कोलर आइलैंड है। अंडमान निकोबार आइलैंड टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बने हुए हैं, इन दोनों के ओरिजिन मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किए हैं, लगभग 0.3% ऑफ अवर एरिया ये ऑक्यूपाई करते हैं। फिर कोस्ट की बात कर लीजिए फ्रेंड्स, तो कोस्ट लगभग 7,516.6 किलोमीटर है पूरा इंडिया का, जिसमें जो मेन लाइन कोस्ट है गुजरात से लेकर सुंदरबंस तक का वो है 6,100 किलोमीटर का, और जो कोस्ट है लक्षद्वीप का और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का वो है 1,197 किलोमीटर। तो ये काम भर की चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पे बायोटिक प्रिंसेस के बारे में, प्रोविंसेस के बारे में बात करेंगे, बायोटिक प्रोविंसेस के बारे में। बायोटिक प्रोविंसेस में क्या क्या आता है, देखिए बायोटिक प्रोविंसेस को बांटा गया है इंडिया के अलग अलग रीजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। कुछ आपको इस फिगर में नजर आएंगे, जैसे पहला बायोटिक प्रोविंस 1A, जिसमें ट्रांस हिमालय लद्दाख माउंटेन्स आते हैं, ये यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है 1A। फिर 1B,
ये तिब्बतन प्लेट्यू आता है ट्रांस हिमालयस का, जो कि ये वाला रीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद वन सी, ये वन सी आपको ये रीजन दिख रहा है फ्रेंड्स, कुछ जगह पे ये वन सी आपको सिक्किम में नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे ये वन डी है सिक्किम, ये कुछ अपडेट हुआ था बीच में। तो ये जो वन सी है ये है आपका कोल्ड एंड रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, यहाँ पे कुमाऊ हिमालयाज मिलते हैं, पंजाब हिमालयाज मिलते हैं, तो ये सी है वन सी यहाँ पे लिखा हुआ। वन डी आपका ये सिक्किम वाला इलाका है, ठीक है। फिर टू ए में आपका कहाँ है, टू ए, टू ए में आपका आता है नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज, टू बी में आते हैं आपका वेस्ट हिमालयाज, टू सी में आते हैं आपका सेंट्रल हिमालयाज, ये रहे, टू डी में आते हैं आपका ईस्टर्न हिमालयाज। उसी तरीके से देखिए, वन ए से लेके टू डी तक मैंने आपको बता दिया है, उसके आगे बात करूंगा। थ्री ए में आपका आता है थार, तो ये जो आपका थार है ना, ये है थ्री ए। फिर जब आपकी बात होगी कच्छ की, तो कच्छ है थ्री बी। फिर जब आप पंजाब प्लेन्स की बात करते हैं, ये सेमी एरिड में आते हैं, तो पंजाब प्लेन्स है फोर ए। जो गुजरात राजपूताना प्लेन्स है वो है आपके फोर बी, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट्स में जो मालाबार प्लेन्स है, मालाबार प्लेन्स है आपके फाइव ए। जो वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन्स हैं वो है आपके फाइव बी। तो वेस्टर्न घाट्स में दो हैं, मालाबार प्लेन्स और वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स। तो जो वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स है वो है फाइव बी। फिर डेक्कन पेनिनसुला में एक बहुत बड़ा वो है, डेक्कन पेनिनसुला में एक आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स है सिक्स ए। फिर उसके उसमें आता है छोटा नागपुर, डेक्कन पेनिनसुला का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सिक्स बी। फिर आते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स, उसको बोलते हैं सिक्स सी। फिर आते हैं सेंट्रल प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू को बोलते हैं सिक्स डी। फिर आता है डेक्कन साउथ, डेक्कन साउथ को बोलते हैं आप सिक्स ई। फिर गैंगेटिक प्लेन्स आते हैं फ्रेंड्स, गैंगेटिक प्लेन्स में दो प्लेन्स है, एक अपर गैंगेटिक प्लेन्स, एक लोअर गैंगेटिक प्लेन्स। अपर गैंगेटिक प्लेन्स को बोलोगे आप सेवन ए, लोअर गैंगेटिक प्लेन्स को बोलोगे आप सेवन बी। फिर अगर कोस्ट पे पहुंचेंगे तो कोस्ट में आप वेस्ट कोस्ट को बोलोगे एट ए, ईस्ट कोस्ट को बोलोगे आप एट बी, लक्षद्वीप को आप बोलोगे एट सी, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुंचे फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो ब्रह्मपुत्रा वैली है उसको आप बोलोगे नाइन ए, जो नॉर्थ ईस्ट हिल्स हैं इसको आप बोलोगे नाइन बी। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, अंडमान आइलैंड्स को बोलोगे आप टेन ए और निकोबार वो बोलोगे आप टेन बी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा इंडिया बांट दिया मैंने आपका बायोटिक प्रोविंसेस। अब ये जो बायोटिक प्रोविंसेस का जो क्लासिफिकेशन है ना फ्रेंड्स, ये जो ज्योग्राफी जिनका मेजर्स होता है, जो ज्योग्राफी को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं उनके लिए होता है। नॉर्मल यूपीएससी में जर्नलिस्ट पढ़ाई में ये इस तरीके के बायोटिक प्रोविंसेस का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको नजर नहीं आएगा, पर जो ज्योग्राफी मेंस के पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं, एज अ मेंस लेके दे रहे हैं, उनके लिए तो ये भाई आएगा ही आएगा। तो बायोटिक प्रोविंसेस मैंने आपको एक जर्नलिस्ट आइडिया दे दिया, इस तरीके से हमारे पूरे देश के बायोटिक प्रोविंसेस को बांटा गया है। आई होप मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी वर्थफुल लगा हो तो आप इन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।